Hello guys, this is Sanya welcoming you all in my channel Dreamy Sanya. Hope you all are good. I am back with a new makeup look. ये है राखी makeup look 2 for beginner obviously plus झटपट हो जाने वाला makeup. Base को हम summer friendly रख रहे हैं लगातार videos में. क्यों? क्योंकि राखी के दिन बहुत गर्मी होती है, so heavy base रखेंगे ना तो cakey look आता है. आप देख सकते हैं कितना flawless base हुआ है. बहुत इजी पीजी मेकअप है एंड आउटफिट भी समर फ्रेंडली हैं, जिनकी ऑब्वियसली डिजाइनिंग वीडियो भी आने वाली है. सो आइए अब इंट्रो को और ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, मेकअप लुक को ज़्यादा बढ़ाते हैं और देख लीजिए आप ये किस तरह से क्रिएट किया है. आज की लिपस्टिक में ना थोड़ा सा अलग सा जादू सा किया है, वो ज़रूर देखिएगा एट द एंड. और चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे मेकअप के बाद. तो शुरू करते हैं आज का मेकअप विद फ्लॉलेस स्किन, क्योंकि अभी भी फेस वॉश किया है. तो यहाँ यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की जेल, नीम एंड तुलसी जेल. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है. ऑयली स्किन वालों को जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ करने चाहिए. कलर्स क्वीन का यहाँ प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, बजट में आता है और बहुत अच्छा है एंड पोर्स को ना एकदम फिल कर देता है, फेस को एकदम स्मूथ बना देता है. सो ये अच्छा प्राइमर है इन बजट वाला. सो प्राइमर को पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे एंड देन हम लैक्मे की 95 CC क्रीम लेंगे. ये जो राखी मेकअप लुक मैं शेयर कर रही हूँ ना, इनमें मैं फाउंडेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रही हूँ, CC BB क्रीम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इनसे ठीक ठाक सी कवरेज मिल जाती है और क्या होता है हैवी बेस भी नहीं होता है, समर्स के लिए काफ़ी अच्छा रह जाता है. पैक के ब्लेंडिंग ब्रश से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया, एकदम फ्लॉलेस सा बेस आया था, कोई भी ना वो नहीं आया था, मतलब ऐसे कोई क्रीज वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, अच्छे से ब्लेंड हो गया था, बहुत जल्दी भी हो गया था. स्विस ब्यूटी का बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ टू सेट माय बेस. अब आप देख सकते हैं एक साइड सेट किया एक साइड नहीं किया, काफ़ी अच्छे से सेट करता है, एकदम ऑयल को ना रिमूव कर देता है. सो अच्छा बजट फ्रेंडली स्विस ब्यूटी का लूज़ पाउडर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. एंड अब चलते हैं आई पार्ट पे. आई इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की HT टेक्सचर्ड पैलेट इन द शेड 01 है या 2 है, पता नहीं कोई ऐसी ही है. बहुत प्यारी लगती है मुझे ये पैलेट. पता है आपके पास ये पैलेट हो ना तो आप किसी भी फंक्शन के लिए रेडी हो सकते हैं, सिर्फ फिंगर्स इन आई शेडोज को ब्लेंड करो, इतनी ईजिली ब्लेंड हो जाती है, प्लस कलर पे ऑफ भी बहुत अच्छा है. सो मैंने ब्राउन कलर को लगा लिया है आईलेट पर एंड सेंटर में मैंने गोल्डन शेड दिया है. सिंपल सा है बट एक अच्छे से लुक भी दे रहा है ना. फिर एक ब्लेंडिंग ब्रश से मैंने एजेस को ब्लेंड कर दिया सो दैट कोई भी हार्श लाइन ना लगे. इतना सिंपल था हमारा आई मेकअप. उसके बाद आईलाइनर लगाया. आईलाइनर का ना आज मेरा बड़ा मन था कि थिक थिक सा आईलाइनर हो, सो विंग्ड आईलाइनर यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ. मेबलिन कोलोसल का ये आईलाइनर था, इसका ना नाम मिट गया लेकिन आईलाइनर ये बहुत अच्छा है और ख़त्म भी हो गया. सो ये वाला तो डेफिनेटली मैं और मंगाने वाली हूँ. काजल भी मेबलिन का कोलोसल यूज़ कर रही हूँ. काजल ये अच्छा है लेकिन उतना ज़्यादा इसका कलर पे ऑफ नहीं है जितना NYB का है, बट ये फैलता नहीं है, स्मज नहीं करता. सो काजल ये अच्छा है. लोअर लैश लाइन पे मैंने ब्राउन और गोल्डन दो शेड लगाए हैं, इनर साइड पे गोल्डन एंड आउटर पे ब्राउन लगाया है. और लैक्मे एब्सोल्यूट करीना कपूर खान मस्कारा लगा रही हूँ, काफ़ी अच्छा मस्कारा है ये, लैशेस पे ना अच्छी सी लेंथ और वॉल्यूम दोनों देता है. लॉरियल की आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ और हल्के हल्के ब्राउज फिल इन कर रही हूँ, ज़्यादा ओवरड्रॉ नहीं कर रही हूँ, सो नेचुरल सी लुक आए ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि ना आज सटल सटल सा मेकअप लुक हम करने वाले हैं तो वही उसी में सटल सटल में जा रहे हैं. देन ब्लश भी मैं आज न्यूड शेड में यूज़ कर रही हूँ, मिस रोज़ का है स्वीट चॉकलेट. ये ना ब्लश का कलर मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है ना, आई कांट इवन टेल यू. बस इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये ब्लश ज़्यादा देर टिकता नहीं है. ये अफोर्डेबल ब्लश है लेकिन थोड़ा सा ना आई थिंक टिकना चाहिए, उतना ज़्यादा देर स्टे नहीं करता है, वैसे बहुत अच्छा है. मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर काफ़ी टाइम के बाद मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मतलब मैं जब सामान ढूंढ रही थी ना मैं कह रही ये भी है मेरे पास, मैं भूल ही गई थी. मोल्टन गोल्ड शेड है, काफ़ी अच्छा प्यारा सा हाइलाइटर है, ना ओवर लगता है और अच्छे से शाइन भी देता है. लिपस्टिक में दो ऑप्शन यूज़ कर रही हूँ, कलर्स क्वीन की है इन द शेड ब्राउनी और एक लोकल सी लिपस्टिक है पर्पल पिंकी शेड है. सो ब्राउन से आउटलाइन की है एंड पर्पल शेड को अंदर फिल इन कर लेंगे और उसे फिर दोनों को ब्लेंड कर देंगे. फिर आज मैं क्या कर रही हूँ, ये फिर इसमें से ना शेडो में से गोल्डन शेड लिया मैंने और उससे लगा लिया, लगाते लगाते ऐसा हो गया कि ये तो ज़्यादा लग गया, उसके बाद मैंने ब्राउन लिपस्टिक्स पे टॉप अप कर दिया. एंड यार दिस इज़ माय फाइनल फिनिश लुक, यू एंजॉय माय फाइनल लुक, बाय बाय.
गाइज दिस इज माई फाइनल फिनिश लुक. कैसी लगी आज की मेकअप लुक मुझे जरूर बताएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और ये वाली ड्रेस भी मैंने खुद ही डिजाइन की है. लास्ट राखी लुक अगर आपने देखा होगा तो उसकी ड्रेस भी मैंने खुद ही डिजाइन की थी. बिगिनर फ्रेंडली मेकअप रखा था. डिजाइन ड्रेसेस के आपको मैं दिखा रही हूँ किस तरह से डिजाइन हो रही है. सो काफी ना इजी होने वाला आप लोगों के लिए राखी के लिए तैयार होना, ड्रेसेस सिलेक्ट करना. सो इसकी भी कंस्ट्रक्शन और डिजाइनिंग जल्दी ही आने वाली है, इस मेकअप लुक के बाद आ जाएगी. होप सो. सो पहले ये मेकअप लुक देख लीजिए एंड उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन आ जाएगी ड्रेस की. ये काफ्तान है, ये मैंने खुद डिजाइन किया है. प्लस समर फ्रेंडली आउटफिट मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ क्योंकि राखी के दिन बहुत गर्मी होती है. सो ऐसे आउटफिट होने चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल रह सके, प्लस ब्यूटीफुल लग सके, स्टाइलिश लग सके. सो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक एक वीडियो आ रही है. मतलब मैं हर वीडियो में हर चीज आपको दिखा रही हूँ, क्लोदिंग, स्टाइलिंग, मेकअप. सो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो. अगर अच्छी लग रही हो तो क्या करना है, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज ड्रीमी सान्या. और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर किया कीजिए और चैनल को जल्दी जल्दी ग्रो कराइए. एंड मैं मिलती हूँ आपसे एक ब्रांड न्यू वीडियो में बहुत ही जल्दी. देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.